हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 8 की सेकंड पोएम हिंद माता ने संबोधन। किसने लिखी है? मणिशंकर रतन जी भट्ट। उनका उपनाम क्या था? कांत। उनका जन्म कब हुआ? 20/11/1867। उनकी मृत्यु कब हुई? 16/6/1923। कवि कांतनो जन्म अमरेली जिल्लाना लाठी गाम पासेना चावंड गाममां थयो हतो। कांत कवि नाट्यकार अने धर्मचिंतक हता। एमनो काव्य संग्रह पूर्वालाप गुजराती काव्यमां महत्वनुं स्थान धरावे छे। राष्ट्रप्रेमना काव्यमां कांतना आ काव्यनो खास उल्लेख करवामां आवे छे। समग्र काव्य हिंद माता ने संबोधन रूपे लखायू छे। जुदो जुदो धर्म पाळता भारत माताना संतानो परस्पर प्रेम अने सहकारथी रहेवा माटे प्रार्थना करे छे। कवि कांत जो है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अमरेली के बाजू में जो लाठी करके है उसके पास चावंड गांव में। वो कवि नाट्यकार और धर्मचिंतक थे। पूर्वालाप करके उन्होंने जो गुजराती काव्य साहित्य लिखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मीन्स की जो इम्पोर्टेंट्स बुक होती है उसके अंदर आता है। राष्ट्रप्रेम उसके बारे में कवि ने लिखा है इसमें कि अलग अलग धर्म के लोग जो है वो कैसे अपने प्रेम और सहकार से भारत माता को क्या प्रार्थना करते हैं कि हम लोग साथ में रहे, उस तरह की प्रार्थना करते हैं, इसके बारे में पोएम है। चलिए हम पोएम देखते हैं। ओ हिंद देवभूमि, संतान सब तमारा, करिए मळी ने वंदन स्वीकार जो अमारा। ओ हिंद देवी, हिंद देवी किसे बोला है? भारत माता को, कि हे भारत माता हम सब आपके ही संतान हैं, आपके ही बच्चे हैं, सब हम मिलके आपको वंदन करते हैं, नमन करते, तो आप उसे एक्सेप्ट करना। हिंदू मुस्लिम विश्वासी पारसी जीन देवी समान रीते संतान सब तमारा। हिंदू अने मुसलमान विश्वासी पारसी जीन देवी समान रीते संतान सब तमारा। हमारा जो भारत देश है उसमें सब कास्ट सब लोग रहते हैं, सब धर्म के, हिंदू मुस्लिम जैन पारसी सिख ख्रिस्ती रहते ना सब, और सबके अंदर यूनिटी भी है। एग्जांपल आपके पास है कि आप जो देखते हो सब पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें आपने देखा ही होगा कि कोई काठियावाड़ से कोई गुजराती है, फिर कोई पारसी होगा सिख होगा, सब अलग अलग कास्ट के ही है ना, लेकिन सब कैसे रहते? यूनिटी से सब लोग साथ में रहते हैं। जैसे एक माँ के सब बेटे अलग अलग होते हैं और वो सब जैसे साथ में रहते, वैसे ही इसमें बताया है कि सब लोग कैसे रहते साथ में रहते हैं। पोषो तमे सहुने शुभ खान पान बख्शी, सेवा करे बने ते संतान सब तमारा। पोषो तमे सहुने शुभ खान पान बख्शी, माता जो है भारत माता वो हमें क्या करती है? अच्छा सा खाना देती है और हमें पोषती है, हमारा ख्याल रखती है। सेवा करे बने ते संतान सब तमारा, हम सब सेवा भी करते हैं उनकी, ध्यान रखते हैं ना, हम अपने भारत भूमि का ध्यान भी रखते हैं। जितना हम ध्यान रखते हैं हमें उतना अच्छा खाना मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता? रोगी अने निरोगी, निर्धन अने तवंगर, ज्ञानी अने निरक्षर, संतान सब तमारा। रोगी जो हेल्थी है वो भी और जो हेल्थी नहीं है वो भी, जो अमीर है पैसे वाला है वो भी और जो गरीब है वो भी, ज्ञानी जो पढ़ा हुआ है पढ़ा लिखा है वो भी और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी, सब किसके संतान है? आपके ही संतान है। वाल्मीकि व्यास नानक मीरा कबीर तुलसी अकबर शिवाजी माता संतान सब तमारा। आपने सुना ही होगा कि वाल्मीकि व्यास नानक मीरा कबीर तुलसी अकबर शिवाजी ये सब
ये सबको आप पहचानते ही होगे, तो ये सब जो है वो संतान सभी आपके ही है। सवनी समान माता सवे समानते थी, ना उच्च नीच कोई संतान सब तुम्हारा। आप जो है वो सबकी माता है, किसी को ऐसा तो नहीं है कि ये बड़ा है कि ये छोटा है तो इसे मैं ज़्यादा रखूँगी इसे मैं कम रखूँगी। आपके लिए सब कैसे है, एक जैसे ही है, किसी में ना ही उच्च है और ना ही नीच, किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं है और किसी को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि सबको कैसे रखते हैं एक जैसे। एक माँ जो होती है वो अपने चार बेटे हो, पांच हो या फिर सात हो, सबको कैसे रखती है, एक समान ही रखती है। कभी ऐसा हुआ कि बड़े को ज़्यादा लाड प्यार मिलता और छोटे को नहीं मिलता, बीच वाला उसे मिलता ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता। सबको कैसे रखती वो, एक जैसा। चाहो बधा परस्पर, साहो बधा परस्पर, ये प्रार्थना करे आ संतान सब तुम्हारा। चाहो बधा परस्पर, जो सब साथ में रहे, साहो बधा परस्पर। अब चाहो है और साहो, दोनों वर्ड का मीनिंग अलग है। साहो मीन्स मदद करो, सब एक दूसरे के साथ रहे और सब एक दूसरे की हेल्प करे, यही हम प्रेयर करते हैं। हम सब आपके ही संतान है। चलिए वर्ड्स देख लेते हैं, एडवर्ड्स। देवभूमि पवित्र भूमि, विश्वासी यीशु ख्रिस्ती में श्रद्धा विश्वास रखना ख्रिस्ती, जीन जैन बक्षी आपी, तवंगर पैसादार, निरक्षर अभण, साहो मदद करो परस्पर एक बीजाने। एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या है ऑप्शन से देखते हैं। आ काव्य कोने संबोधीने लखायू छे, तो किसे, हिंद माता ने। किसे, हिंद माता ने। क्या आएगा, ग। कवि हिंद ने कोनी भूमि तरीके ओळखावे छे, देवोनी। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको कब आएंगे, जब आपने पोएम अच्छे से समझी होगी। तो चलिए हम देखते हैं। कवि वंदन स्वीकारवानु कोने कहे छे, कवि वंदन स्वीकारवानु हिंद देवी ने कहे छे। हिंद माता संतानोनु पोषण केवी रीते करे छे, हिंद माता संतानोनु पोषण सारू खानपान बक्षीने करे छे। आ काव्यमां कयो भाव रजू थयो छे, आ काव्यमां देशभक्तिनो राष्ट्रभावनानो भाव रजू थयो छे। क्वेश्चन नंबर 1, નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર લખો। ભારતમાં કયા કયા ધર્મ પાળતી પ્રજા વસે છે, ભારતમાં હિન્દુ મુસ્લિમ ખ્રિસ્તી પારસી જૈન બૌદ્ધ વગેરે ધર્મ પાળતી પ્રજા વસે છે। ભારત ભૂમિને કવિ માતા તરીકે કેમ સંબોધે છે, ભારત ભૂમિ પોતાના બધા જ બાળકોને એક સમાન સરખા રાખે છે, કોઈ પણ ઊંચ નીચના ભેદભાવ વિના રાખે છે, એટલે ભારત ભૂમિને કવિ માતા તરીકે સંબોધે છે। ભારતમાં વસતી પ્રજાને કવિ સમાન શા માટે ગણે છે, ભારતમાં વસતી પ્રજા ભલે અલગ અલગ ધર્મની હોય પરંતુ તેમની માતા ભારત માતા એક જ છે, તેથી કવિ ભારતમાં વસતી પ્રજાને એક સમાન ગણે છે। ભારત માતાના સંતાનો છેલ્લે શી પ્રાર્થના કરે છે, ભારત માતાના સંતાનો છેલ્લે એવી પ્રાર્થના કરે છે કે અમે બધા હંમેશા એકતાથી રહીએ અને એકબીજાની મદદ કરતા રહીએ, ભલે અલગ અલગ ધર્મ અલગ અલગ જાતિના હોઈએ પણ રહીએ તો કેવી રીતે, એક સમાન સરખા જ એકબીજાની મદદ કરતા। પ્રાર્થના વિશે 6-7 વાક્યો લખો। પ્રેયર સમય ક્યાં ક્યાં પ્રોફિટ હતો એવો લિખના એમ। પ્રાર્થના કરવાથી મનને શાંતિ મળે છે, મન સાથે તનને પણ શાંતિ મળે છે, પ્રાર્થના કરવાથી આપણા મનમાં જે નેગેટિવ થિંકિંગ નેગેટિવ વિચારો હોય છે દૂર થાય છે, એસે બહોત સારે પ્રોફિટ હોતે। ક્વેશ્ચન નંબર 2, માગ્યા મુજબ વિગત લખો, જેસે બોલાય ઉસે આપકો લિખના હે। ધર્મનું નામ, ધર્મગુરુ, ધર્મગ્રંથ, ધર્મસ્થાન, ધર્મ પ્રતિક, મુખ્ય તહેવાર। ક્યાં હે હિન્દુ, તો કે હિન્દુ ધર્મ જો હે ઉસકે ધર્મગુરુ કોણ હે, આદિ શંકરાચાર્ય। હમારા ધર્મગ્રંથ કોણ સા હે, રામાયણ મહાભારત ભાગવદ ગીતા। હમારા ધર્મસ્થાન કોણ સા હે, ધર્મસ્થાન કી જો પ્લેસ હોતી હે પૂજા કરને કી વો તો મંદિર। ધર્મ પ્રતિક કોણ સા હે, ઓમ। और मुख्य त्यौहार
इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? दिवाली। मोमेडियन मुस्लिम, उसके धर्मगुरु कौन है? मोहम्मद पैगंबर। धर्मग्रंथ कुराने शरीफ। धर्मस्थान मस्जिद। धर्म प्रतीक तो वो मून जैसा आता है, चंद्र जैसा, और बीच में स्टार होता है। मुख्य त्यौहार मोहर्रम, ऐसे आपको सबके ढूंढने और लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचेना शब्दों ना विरुद्धार्थी शब्दों कोष्टक माथी शोधीने लखो। इसके ऑपोजिट वर्ड्स हमें लिखने हैं। ज्ञानी, तो कि ज्ञानी का क्या होगा? अज्ञानी, ये आपने देखा यहाँ पे, अज्ञानी। फिर निरोगी तो रोगी, ये हो गया रोगी। तवंगर तो गरीब। उच्च नीच। समान तो असमान। साक्षर तो उसमें क्या आएगा? निरक्षर। निरक्षर मीन्स जो पढ़ा हुआ नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? काव्य पंक्तियों पूर्ण करो। पोषो तमे, वहाँ से लेके संतान सब तुम्हारा। देख लेते हैं कहाँ पे है। पोषो तमे सौ ने शुभ खान पान बख्शी, सेवा करे बने ते संतान सब तुम्हारा। यहाँ तक है वो पोएम। फिर सेकेंड पोएम कहाँ तक है देखते है। सौनी समान से लेके संतान सब तुम्हारा। सौनी समान माता सौवे समान ते थी, ना उच्च नीच कोई संतान सब तुम्हारा। हो गया ये भी। लास्ट में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, विविधता में एकता। विविधता में एकता मतलब कि जो सब अलग अलग धर्म के होते हैं, जाति के होते हैं, उस उन सब के अंदर जो यूनिटी होती है, साथ में रहते, उसके बारे में आपको बताना है। तो उसके बारे में आपको 8 या 10 लाइन लिखनी होगी। यहाँ पे हमारी पोएम नंबर 2 फिनिश हुई।